रावतसर के सरदारपुरा खालसा में दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में महिला सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला चिकित्सालय में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस मामले में एक पक्ष के पीड़ित राकेश कुमार ने पुलिस थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया। वहीं दर्ज शिकायत में पीड़ित ने बताया कि उसकी और उसके भाई सुभाष की शादी कनवानी निवासी बजरंग लाल बिस्सू की बेटियों से हुई थी। राकेश की पत्नी का 5 साल पहले निधन हो गया। इस पर उसके ससुराल वालों ने बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए रंजिश कर रखी थी। गुरुवार को पीड़िता के ससुर बजरंग लाल और ओम प्रकाश लालचंद नंदराम और साथी 4-5 अन्य लोग गाड़ियों में सवार होकर कनवानी पहुंचे और घर में घुसकर पीड़ित की मां सावित्री देवी की लाठियों से मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और साथ ही खेत में काम कर रहे पीड़ित के पिता अमीलाल और उसके भाई सुभाष पर भी जानलेवा हमला बोल दिया। इस हमले के बाद आरोपी जाते समय उसकी बेटी को भी उठाकर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। अम्मीलाल के बेटे राकेश और सुहास की शादी कनवानी के वहां पर हुई और आज अम्मीलाल के घर पे कनवाणी वाले जो उसके ससुराल वाले हैं राकेश और सुभाष के, वो लोग आए और उन्होंने मारपीट की अपने जवाई के और उसके माता पिता के साथ में, जो अस्पताल में आज इलाज के लिए लेके आए हैं। आगे कानूनी कार्रवाई की।